कल तक जो सिपाही अपने कर्तव्य को बखूबी निवहन करते हुए जन सेवा में लिप्त होकर उसे क्या मालूम कि आने वाला कल की सुबह उसी कर्तव्य को निभाते हुए काल के मुंह समा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, छिंदवाड़ा मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर माहुलजीर थाने में पदस्थ एएसआई नरेश शर्मा, जो कि कल तक अनहोनी में लगने वाले प्रसिद्ध मेले में ड्यूटी कर एवं पत्रकारों से चर्चा की एवं जिंदगी के आखिरी इंटरव्यू दिया, उसे क्या मालूम कि कल गुरुवार की सुबह नीति को जो मंजूर था वह एक तेज बुलेरो की वाहन की चपेट में आकर हिट एंड रन मामले में एएसआई श्री नरेश शर्मा की मौत हो जाएगी। देखिए सबसे पहले पत्रकारों से एएसआई नरेश शर्मा की चर्चा। स्वच्छ व्यवस्था के लिए क्या बोलते सर? स्वच्छ व्यवस्था यहाँ गरम कुंड जो मेला है वो बड़ा प्रसिद्ध मेला है यहाँ पर, और यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 तक अच्छी भीड़ भाड़ रही है। क्षेत्र के लोग बहुत भी आए हैं और यहाँ पर समस्त स्टाफ के सहयोग से बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मेला संपन्न हुआ है और आगे भी संपन्न होगा, ऐसा हम लोगों का। यहाँ पे सर हमने कोटवार संघ का भी देखा, कोटवार लोग भी बहुत कोटवार समस्त कोटवार रहे हैं, सुरक्षा समिति रही है, मंदिर समिति के लोग भी रहे हैं, सब लोगों ने अच्छा सहयोग दिया है यहाँ पर और किसी प्रकार की कोई घटना भी नहीं हुई। हर साल वर्ष घटना होती थी सर, लेकिन नहीं हुई है इस बार, बढ़िया चला है। आपका नाम बताइए सर। नरेश शर्मा सहायक उप निरीक्षक थाना माहौलिया से। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा से मिली जानकारी अनुसार न्यूटन स्थित पेट्रोल पंप से डीजल भराकर गार्डनवाड़ी निवासी ड्राइवर, जो कि नशे के हालात में था, माहुलजीर थाने के सामने चेकिंग के दौरान एएसआई को ठोकर मार दी, जिसे जिला चिकित्सालय उपचार हेतु भेजा गया, लेकिन अनहोनी को क्या था और एएसआई की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिला छिंदवाड़ा के थाना माहुलजीर में आज सूचना सुबह के टाइम प्राप्त हुई थी कि न्यूटन चौकी से कोई गाड़ी बोलेरो कैंपर एक्सीडेंट करके फरार हुई है। उसको रोकने के लिए माहुलजीर थाने के सामने चेक पॉइंट लगाया गया था, जिसमें एएसआई नरेश कुमार शर्मा जी और अन्य थाने का स्टाफ मौजूद था। चेक पॉइंट को देखकर बोलेरो कैंपर के ड्राइवर ने गाड़ी और तेज़ की और नॉकडाउन करने की कोशिश की बैरिकेड को। इस प्रोसेस में एएसआई नरेश शर्मा जी को गाड़ी के द्वारा चोट पहुंचाई गई और गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल छिंदवाड़ा रेफर किया गया। गाड़ी को हिरासत में ले लिया गया है और ड्राइवर भी पुलिस कस्टडी में है। 307 का केस भी उसके खिलाफ रजिस्टर किया गया है उसकी गतिविधि को देखकर। अभी मैं छिंदवाड़ा अस्पताल में ही आया हूँ और हमें अभी सूचना मिली है कि अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी मामले पर। सर ये भी जानकारी आ रही है कि न्यूटन से परासिया कहीं से डीजल डलवा के वो जा रहा था, क्या जो प्रिलिमिनरी जानकारी प्राप्त हुई यह है कि जो ड्राइवर था उसका नाम लोकजीत सिंह है, ये गाडरवाड़ा नरसिंहपुर का रहने वाला है। बोलेरो कैंपर गाड़ी लेकर ये न्यूटन चौकी के पास पेट्रोल पंप में डीजल डलाने गया था, बिना पैसे दिए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जिस प्रोसेस उसमें वहाँ भी किसी को चोट पहुँचाई और उसी की सूचना जो प्राप्त हुई थी माहौलजर में उसी को हिरासत में लेने के लिए ही चेक पॉइंट लगाया गया था, तो उसके बाद ही बाकी का घटनाक्रम हुआ। ड्राइवर अरेस्ट हो गए? हाँ, ड्राइवर पुलिस हिरासत में है।